आज हम बात करने वाले हैं कि रुद्राक्ष का इस्तेमाल या उपयोग धन प्राप्त के लिए, वेल्थ मनी, इसके लिए कैसे किया जाए। कौन नहीं चाहता जीवन में समृद्ध होना, कौन नहीं चाहता उसके पास अजस्र पैसा हो, मालामाल होना सब कुछ चाहते हैं, लेकिन केवल परिश्रम से, केवल मेहनत से, जो कहता है कि मेहनत से ही केवल पैसा आ जाता है, तो रिक्शा वाला ही मेहनत करता है, कुली मेहनत करता है, आप ही मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग कम मेहनत करके ज़्यादा धन उपार्जन कर लेते हैं और बहुत लोग बहुत सारा परिश्रम करते हैं लेकिन धन प्राप्ति इतनी होती नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे देश में, भारतवर्ष में करीबन 100 परिवार ऐसे हैं जो कि भारत का जो संपत्ति है ज़्यादातर हिस्सा उन्हीं के पास है। धनशाली लोग कम होते हैं। किस्मत की बातें कर रहा हूँ मैं, जो कि अनजानी चीज़ें हैं, इलॉजिकल चीज़ें हैं। किस्मत, भाग्य, लक, ये ऐसे द्वार हैं और ऐसे डोमेन हैं जिसके बारे में हम मनुष्य जानते नहीं हैं। तो इन चीज़ों में जहाँ समझदारी खत्म हो जाती है, वहाँ श्रद्धा और विश्वास का आरंभ होता है। कौन सा रुद्राक्ष पहनने से आपको धन की प्राप्ति होगी, अनायास धन की प्राप्ति होगी और बहुत धन प्राप्ति की होगी। सबसे पहले शुरू करते हैं एंटीना से, केतु से शुरू करते हैं। केतु आपको देता है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। अनायास धन प्राप्ति का योग बनाता है 8 मुखी रुद्राक्ष। कुछ लोग 9 मुखी को केतु मानते हैं, मैं नहीं मानता। इसके पीछे लॉजिक है, कारण है, इसके और वीडियो बने हुए हैं, आप देखिएगा। तो 8 मुखी रुद्राक्ष आप पहनेंगे तो आपको ऐसे ऐसे सोच आएंगे, विचार आएंगे जो कि दूसरे लोग सोच नहीं पाते हैं। जब कोई ऐसी सोच लेकर आप आगे आते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ लॉन्च करते हैं, जैसे आप मानिए कि ओला उबर, किसने सोचा था, अमेजन। देखिए दिमाग का खेल, इनके पास दुकान नहीं है, ओला उबर के पास गाड़ी नहीं है, फ्लिपकार्ट वाले केवल किताबें बेचते थे, कहाँ हैं आज। सोच, जो सोच आती है ये केतु से आती है, और ये जो सोच को क्रियान्वित करने की जो बातें होती है ना, उसको जो कन्वर्ट करने की बातें होती है, सपने तो सब देखते हैं, सपने को कन्वर्ट करने की बातें हो रही है, रियलिटी में टर्न करने की बातें होती हैं, वो होती है आपकी थर्ड आई से। थर्ड आई यहाँ है और यहाँ है शनि, 17 मुखी रुद्राक्ष, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, 8 मुखी और 17 मुखी रुद्राक्ष। देखिए जोड़ 17, 1 और 7, ये भी 8 ही बनता है, 1+7 और 8, 8, ये शनि और केतु का खेल है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। तो मैं कहूँगा कि लक्ष्मी को प्रसन्न करने के 7 मुखी, थर्ड आई के लिए 17 मुखी और आइडियाज़ के एंटीना को एक्टिवेट करने के लिए 8 मुखी। तो 7, 8 और 17, इन तीनों का जोड़ बनाइए और पहनिए, और नए नए आइडिया के साथ, नए नए विचार के साथ, नए नए सपने के साथ अपने ज़िंदगी में रंग भरिए, ज़िंदगी में समृद्धि लाइए और ज़िंदगी में सफलता पाइए। अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एक नया टॉपिक पे, और ये टॉपिक ये है कि व्हाई डज रुद्राक्ष टर्न ब्लैक, रुद्राक्ष काला क्यों हो जाता है, रुद्राक्ष का रंग कैसे बदल जाता है, क्यों बदल जाता है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ मैं। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।